हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला था, इस एग्ज़ाम को अब जून में नहीं कराया जा सकेगा। देखिए, अब मैं आपको ये जो जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो या टीआरई 5 हो, जब भी न्यूज़ एजेंसी या फिर न्यूज़ वेबसाइट में जो भी खबर छपती है ना, इसमें आप कंप्लीटली इस पर रिलाई कर सकते हो। 99.9% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने प्रिडिक्ट करा है चीज़ों को, और वैसी ही चीज़ें एज इट इज़ हुई है। तो फिलहाल ये क्या अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर जाकर आप करंट अफेयर्स को जरूर कर लें। अब तो आपको जून तक का करंट अफेयर्स करना ही होगा, और एग्ज़ाम अगर दूसरे या तीसरे सप्ताह में जाती है जुलाई का, तो डेफिनेटली आपको जुलाई का भी आधे महीने का करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर पिछले वाले करंट अफेयर्स को देखोगे, एग्जामिनेशन जो पिछली बार फरवरी में हुआ था उसमें, और जो मार्च तक भी गया था एग्जामिनेशन, उसमें देखना जिस महीने के एग्जाम हुए थे ना, उसके 10 तारीख के भी जो पहले सप्ते के करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लिया गया था। ठीक है, उतना होशियार तो आप हो ही कि देख लोगे। फिलहाल यहाँ से देखिए, ये रहा न्यूज़, यहाँ से देखिए कशिश न्यूज़, ये बिहार का न्यूज़ है। पटना बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 3 के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई में जो फेज 3 की जो परीक्षा है, दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगी। यानी कि अब जो जून वाला एग्जाम था वो बढ़ गया आगे, जून वाला एग्जाम जो है अब नहीं होने वाला है। देखिए, इससे फायदा किसको होगा? झारखंड के जो विद्यार्थी JSSC के सहायक आचार्य की परीक्षा में थे, इसके अलावा JPSC का एग्जाम जिन लोगों का था, सभी लोगों को जो है राहत मिली है। अब जो है ये एग्जाम को कर पाएंगे। आगे देखिए, आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पहले ये मार्च में जो है आयोजित हुई थी, लेकिन ये जो है पेपर लीक की वजह से जो है रद्द हो गया था। शिक्षक भर्ती जिसमें 87,000 टीचरों की जो है भर्ती होने वाली, देखिए इसमें बहुत सारा रिजर्वेशन भी होता है, बाहर वाले लोगों के लिए लगभग 10,000 सीटें ही होती है। आगे देखिए, 5.5 लाख लोगों से अधिक अभ्यर्थियों ने जो है एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा था। कुल मिलाकर बात क्या है, अगर ये पूरे सार को समझोगे तो अब आपका एग्जाम जो है जुलाई में होगा, और जुलाई में टू बी प्रिसाइज दूसरे सप्ताह में नहीं, या तो ये दूसरे में या फिर तीसरा, यानी कि लास्ट जुलाई में आपको जो है एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। तैयारी इसी के मोड पे करते रहें। फिलहाल सहायक आचार्य का एग्जाम आपका पहले है, तो सहायक आचार्य की तैयारी कीजिए। अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है तो बीपीएससी में लगे हुए हैं, डेफिनेटली यू शुड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फॉर दीज टाइम्स। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये जो जानकारी थी, इसे अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर करनी है, साझा करनी है, उन तक पहुंचानी है। किसी व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल पाए। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।